तो एक प्रॉब्लम ऐसी है कि लाइट नहीं आ रही है और एसी चल रहा है, मतलब डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है और एसी चल रहा है, और डिस्प्ले लाइट पे पता ही नहीं चल रहा है कि एसी कितने टेम्परेचर पे है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर में और मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। ये बेसिकली सिंपल एक रिमोट का फंक्शन है, तो इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सिंपल सा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर इस तरीके से आपका एसी चल रहा है, लॉयड की बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर डिस्प्ले पे नंबर नहीं आ रहा है, रिमोट पे जैसे इस समय 27 पे चल रहा है एसी, लेकिन वहां पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो बेसिकली इसका सबसे पहली जो चीज है वो आपको रिमोट पे जो लाइट का बटन है ये नीचे की तरफ में इसको दबाना है और डिस्प्ले आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यही है। अब इसके बाद में ये चीज जब मैंने कमेंट में रिप्लाई करी तो कई लोगों का कहना है कि भाई लाइट का बटन दबाने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन उसी कमेंट में मैंने दे दिया था। तो उसके लिए मेन चीज़ ये है कि देखो कई बार क्या होता है ना, रिमोट की बैटरीज जो है वो काम नहीं करती और यहाँ पर डिस्प्ले रहता है, और मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है बैटरी निकालने के बाद में जब आप बैटरी दोबारा डालते हो तो क्या दिक्कत होती है, तो वो वीडियो आप चेक कर लेना, तो रिमोट की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। और अगर ये लाइट का बटन दबाने से भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हो सकता है फिर आपके डिस्प्ले में ही कोई दिक्कत हो, फिर आपको इसके लिए सर्विस टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। तो यही है रिमोट में लाइट का बटन जिसकी मदद से ये डिस्प्ले चले जाता है, और कई बार रिमोट आपका लॉक हो जाता है इसलिए लाइट का बटन काम नहीं करता। रिमोट को अनलॉक कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो रिमोट लॉक हो जाता है, रिमोट भी काम करना बंद कर जाता है, बैटरीज या फिर लॉक, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो प्लीज़ इसको चेक कीजिए। अब डेडिकेटेड वीडियो बना दिया तो होपफुली अब जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई होगी।